आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। क्या है कॉन्सेप्ट? कि दो समरूप त्रिभुज। समरूप मतलब होता है जिसका रूप समान हो, साइज मैटर नहीं करता है वहाँ पे, यानी कि साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए और एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ट्रायंगल समरूप होता है यानी कि सिमिलर होता है। तो दो समरूप त्रिभुज के परिमाप, तो परिमाप आप लोग जानते होंगे, परिमाप, माप मतलब होता है मापना, परि मतलब होता है परिक्रमा करकर। मतलब मान लेते हैं सपोज दैट कि मेरा एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी। तो इसके अगर चारों ओर परिक्रमा करे, चारों ओर बोलने का मतलब इसके इसके लाइन पे चले, ठीक है, यानी कि ओर तो तीन ही है, ठीक है, तो ये जो परिमाप होगा। और दूसरा ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं वो भी ट्रायंगल इसके सिमिलर है, सिमिलर होने के लिए पहले ही बोल चुके साइज मैटर नहीं करता है, बस क्या होना चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो ट्रायंगल का चलो ये साइड को हम मान लेते हैं कि ए है, ये साइड मेरा जो है बी है और ये मेरा सी है, ठीक, इसके पर डी है, ये ई है और ये एफ है। तो हमें यह बात प्रूफ करके दिखाना है कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप, परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दे और दूसरे ट्रायंगल के डी प्लस ई प्लस एफ को ऐड कर दें, और दोनों का रेशियो देखे तो वह उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होंगे, यानी कि ए बी का रेशियो ए बी बाई डी ई जाएगा, बी सी बाई ई एफ जाएगा और ए सी बाई डी एफ जाएगा। ये तीनों साइड का सम और ये तीनों साइड का सम का रेशियो जो होगा इसके साइड के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, यह बात हमें प्रूव करना है। तो दिया गया है बात हम लोगों के पास, क्या चीज़ दिया गया है, बहुत बड़ा बात, क्या चीज़ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के, यह बात हमें पता है पहले से, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप बटा ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप बराबर, हम कुछ नहीं बोले, देखिए क्वेश्चन जो बोला है यहाँ पर, देखिए उनकी संगत भुजा, तो संगत भुजा का बात करें तो ए बी बाई किसके होंगे, डी के, और बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ के, यही बात हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रमाण मतलब होता है प्रूफ, प्रूफ के तौर पे हम लोग के पास है क्या, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम मान लिए थे बात, माना ये बात कि माना कि ए, देखिएगा बी सी को हमने माना है ए, क्या माना है ए, ए सी को हमने माना है बी और ए बी को हमने माना है सी। और दूसरा बात देखिएगा, दूसरा पार्ट में इधर हमने क्या माना है, ई एफ को हमने माना है डी, ठीक है, और डी एफ को हमने माना है ई तथा डी ई को हमने माना है एफ, यह बात हमने क्या किया है, माना है। और हमें यह बात जान लें कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के, यह बात हम लोग जान लें कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, तो हम लिखेंगे ए बी बट्टा डी ई, देखिएगा ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ के, अब वह बराबर होगा किसके, ए सी बट्टा डी एफ के, ए सी बट्टा डी एफ के। इसका रेशियो नहीं है हम लोग को पता, मान लेते हैं के है, क्या है के रेशियो, यह बात हमने क्या किया, माना है, यह बात हमने मान लिया। तो बारी बारी से आप देख सकते हो क्या चीज़, सभी का कंपेयर करेंगे, ए बी की जगह पुट क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हो ए बी की जगह पर सी और डी ई की जगह पर एफ बराबर ए बाई डी बराबर बी बाई ई, वह किसके बराबर था, के बराबर। चलिए देखते हैं यहाँ पे बी सी को
क्या माना था, ए तो ए पुट कर दिए, ई एफ को हमने क्या माना था, ई एफ देख सकते हैं डी, तो इस प्रकार हमने वैल्यू पुट किया। अब बारी बारी से आप देखिएगा, कंपेयर करते हैं, सी वाई एफ को अगर हम के बराबर करें तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, के एफ, यही निकलेगा। इसी प्रकार अगर हम ए वाई डी को के इक्वल करें तो ए बराबर हमें क्या निकल के आएगा, डी के, समझ रहे बात को। इसी प्रकार अगर हम बी वाई ई को करें के इक्वल तो हमें यहाँ से निकल के आएगा बी बराबर के ई। तो इस प्रकार हमने सभी वैल्यू को निकाला। साथ ही अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही ना होगा। तो ए बी की जगह पर आप क्या देखते हो, ए बी हमने क्या माना है, ए बी इक्वल टू सी है, बी सी इक्वल टू ए है, और ए सी इक्वल टू क्या है, बी है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम परिमाप निकालने चलेंगे, किसका, ट्रायंगल। इसलिए ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया इसका भी, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। तो डी की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, एफ प्लस, इसके जगह पर क्या पुट करेंगे, देख सकते हो आप क्या रखेंगे, डी प्लस डी एफ के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग, ई। अब देखिएगा बारी बारी से, थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पे, कॉमन सेंस हम लोगों को। चलिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कुछ बात बन सकता था मेरा, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा सी की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, देखिए सी के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, के एफ, ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, डी के, और बी की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या था, बी बराबर के ई, बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे तो के ई, सभी के पास के है तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, के कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच जाता है एफ प्लस डी प्लस ई, डी प्लस ई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अनुपात निकालना था, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ए पी सी का परिमाप बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर। तो देखिएगा ए बी सी का परिमाप क्या निकला था हम लोगों को, यही ना निकला है, के इंटू एफ प्लस डी प्लस ई, जबकि इसका परिमाप क्या निकल गया है, एफ प्लस डी प्लस ई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसे कैंसिल हो गया, तो हमें क्या निकल के आया, यहाँ से के निकल के आया, किसका, ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप, यानी त्रिभुज ट्रायंगल मतलब बाय ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप क्या आ गया है, के आ गया है, ठीक है। इस बात को हम मान लेते हैं यहाँ पे, क्या चीज़, इक्वेशन फर्स्ट, इस बात को हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो आप देख सकते हो समीकरण एक और दो से किस निष्कर्ष तक निकल सकते हैं, ये भी सारा बात के माने थे और ये इसका भी रेशियो आ गया के, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप बट्टा ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप बराबर ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। इस प्रकार यह बात हो जाता है प्रूफ।